हाय गाइस, माय नेम इज़ अकी एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक योर की। सो गाइस, आज अगेन मुझे शॉपी की तरफ से एक पार्सल रिसीव हो चुका है और इसमें एक मेटल पेन ड्राइव जो मैंने शॉपी से ऑर्डर की थी। कितने में ऑर्डर की थी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस HP मेटल पेन ड्राइव का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी पेन ड्राइव है, लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी पेन ड्राइव है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो पेन ड्राइव है 32 GB की है और ये 150 रुपीज़ में मुझे मिली है, और ये पार्सल मुझे डिलीवरी के द्वारा डिलीवर हुआ है और ये मैंने शॉपी से ही मंगवाया है। तो चलिए अब फटाफट से इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो इसकी प्राइस तो ओरिजिनली 300 रुपीज़ थी, लेकिन मैंने वाउचर अप्लाई करके इसे 150 रुपीज़ में लिया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि वाउचर कैसे अप्लाई करते हैं, इस एप्लीकेशन में कौन से ऑफर्स चलते हैं और आप अच्छे से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, कम प्राइस में बेहतरीन प्रोडक्ट्स कैसे ले सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको ऊपर फ्लैश हो रही होगी, या फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डला दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। सो बॉक्स में तो और कुछ नहीं मिलता है, बस ये एक ही मिलता है पेन ड्राइव। सो यहाँ पे भी लिखा गया है 32 GB की पेन ड्राइव। सो ये EVM कंपनी की पेन ड्राइव है, 32 GB की पेन ड्राइव मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में ही मिली है। सो ये वीडियो में तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग ही करूँगा और साथ में आपको फीचर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन इसको प्रॉपरली यूज़ करने के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इस पेन ड्राइव को आप प्रॉपरली यूज़ करके पूरा रिव्यू लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पेन ड्राइव लेनी भी चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। यहाँ पे 10 ईयर्स ऑफ वारंटी लिखी गई है और बैक साइड में कुछ डिटेल्स है, फीचर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसकी मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट देखें तो अक्टूबर 2021 है, यानी कि लेटेस्ट ही एकदम। 32 GB साइज़ है इसकी और इसमें MRP 729 रुपीज़ लिखी गई है और ये मेटालिक ब्लैक में है और ये मैक और विंडोज़ दोनों के साथ कंपेटेबल है, लिनक्स का इसमें कोई मेंशन नहीं है। सो अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन क्वालिटी की लग रही है, थोड़ी सी हैवी भी है, मतलब सॉलिड है, ऐसा बिल्ड है इसका, मेटल का ही है इसलिए ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक एज ए किचन आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी नीचे भी मेंशन किया गया है कि ये 32 GB की पेन ड्राइव है, और यहाँ पे पीछे भी लिखा गया है 32 GB की पेन ड्राइव। सो गाइज, अब मैं इस पेन ड्राइव को थरली यूज़ करूँगा और इसके बाद आपको मैं रिव्यू का वीडियो दूंगा। इसे प्रॉपरली यूज़ करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर आपको बता पाऊंगा क्लियरली कि क्या आपको ये पेन ड्राइव लेनी भी चाहिए या फिर नहीं। सो ऐसी अनबॉक्सिंग और रिव्यू टाइप्स के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा शॉपी वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बेहतरीन क्वालिटी के बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं आपको। मैंने तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं, आप उन सभी की अनबॉक्सिंग चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के है तो कोई भी क्वालिटी के मिलते हैं, नहीं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रोडक्ट आपने सिर्फ 9 रुपीज़ में या फिर 1 रुपीज़ में परचेस किया है। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करूँ जो आप 9 रुपीज़ में या फिर 1 रुपीज़ में नहीं मिलते वो, सो आप कूपन के साथ वो भी बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। मुझे तो प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त लगी, 150 रुपीज़ में आपको 32 GB की पेन ड्राइव मिल रही है और वो भी मेटालिक बिल्ड के साथ। सो ये काफ़ी बड़ी डील हो जाती है। बाकी इसको मैं थरली यूज़ करके इसका वीडियो तो लाने वाला हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे टेकी, जय हिंद।